सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने रूस को चेतावनी दी है और कहा है पुतिन जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, वो नहीं पा पाएंगे, यानी वो जिस कोशिश में है उसे हासिल करना रूस के लिए नामुमकिन। जो बाइडेन का बयान आपको हम दिखा रहे हैं, बाइडेन के बयान के बाद आज ही अब से थोड़ी देर पहले रूस के युद्धाभ्यास का नया वीडियो आया है। एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ रूस की आर्मी यूक्रेन बॉर्डर के पास बेलारूस में ड्रिल्स कर रही है। आपको समझना होगा कि ये वीडियो तब आया है जब नाटो संगठन में शामिल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रूस और यूक्रेन के दो दिनों के दौरे पर हैं। मॉस्को के बाद उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीव जाना है। फ्रांस और जर्मनी लगातार इस कोशिश में कि इस युद्ध को टाला जाए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बाइडेन ने 25 सेकंड में, जी हाँ सिर्फ 25 सेकंड में कैसे पुतिन को आग बबूला कर दिया है। और ये 25 सेकंड दुनिया भर में, डर ये कि ये 25 सेकंड कहीं वर्ल्ड वॉर की वजह ना बन जाए। हुर्रा! पुतिन से ना हो पाएगा। व्हाइट हाउस के लॉन में एक विमान लैंड कर रहा है। लैंडिंग के बाद विमान से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उतरते हैं, उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी साथ हैं। जो बाइडेन पत्नी से कहते हैं कि पहले वहां जाना है जहां मीडिया कर्मी कुछ सवालों के साथ इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद दोनों मीडिया के पास पहुंचते हैं। There's nothing new about that. Are we to send more troops to Poland and other NATO countries if Putin has no PSI? I'm not going to speculate on that. Do you think there's any particular thing that Vladimir Putin is looking for, sir, in order to make this decision? I think things he cannot get. Are you concerned? ये सवाल जवाब सिर्फ 25 सेकंड का था। इन 25 सेकंड में पत्रकारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति से 3 सवाल पूछे और 25 सेकंड में ही उन्होंने उन तीनों सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से आप इस सवाल जवाब को सुनिए। I'm not going to speculate on that. Do you think there's any particular thing that Vladimir Putin is looking for, sir, in order to make this decision? I think things he cannot get. Are you concerned? आपने तीसरे सवाल पर अगर गौर किया होगा तो ये सीधा सीधा पुतिन को जवाब था। जवाब ये कि पुतिन से ना हो पाएगा। Do you think there's any particular thing that Vladimir Putin is looking for, sir, in order to make this decision? I think things he cannot get. बाइडेन के इस बयान से पुतिन के लिए संदेश क्या है? आखिर बाइडेन किस बारे में बात कर रहे थे? दरअसल रूस चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का हिस्सा ना बनाए, जबकि अमेरिका उसकी ये शर्त मानने को तैयार नहीं है। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हैं और अमेरिका का कहना है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर उसे अमेरिका से भी भिड़ना होगा। यानी बाइडेन ने साफ कह दिया है कि वो रूस के दबाव में नहीं आएंगे। तो अब आगे क्या होगा? कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो विश्व के अंदर एक विश्व युद्ध शुरू करने वाला देश साबित हो। अमेरिका अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता है, इसलिए नोकझोंक चलेगी, तानाकशी होगी और आखिर में सुलह से ही यह मसला हल होगा। वर्ल्ड वॉर की कोई भी चिंता नहीं है। 72 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा करेगा रूस।
अब ये सवाल कहां से आया? ये सवाल भी अमेरिका से आया है। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने अमेरिका के सांसदों से कहा कि अगर रूस पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करे तो उसे यूक्रेन पर कब्जा करने में सिर्फ 72 घंटे लगेंगे। दावा यह भी कि इस हमले में रूस के 4000 सैनिक और यूक्रेन के 15000 सैनिक मारे जा सकते हैं। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में अनुमान ये भी है कि इस दौरान 50000 लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भी चेतावनी दे चुके हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी अटैक कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही मचेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो आपको बता दें कि बयान वीडियो युद्धाभ्यास दोनों तरफ से जारी है। रूस भी लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और यूक्रेन भी पहले से ज्यादा अलर्ट मोड में है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।